ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ओबीसी समुदाय की ओर से आज जयपुर में आयोजित होने वाली ओबीसी आक्रोश महारैली में भाग लेने के लिए बाड़मेर से हजारों की संख्या में युवा जयपुर आ रहे हैं। बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पीजी कॉलेज ग्राउंड से सैकड़ों बसों को ओबीसी आरक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में कटौती का विरोध तेज हो गया है और ओबीसी आरक्षण के नियमों में संशोधन की मांग को लेकर जिलों में आंदोलन किए जा रहे थे, लेकिन अब यह आंदोलन राजधानी पहुंच रहा है। बाड़मेर में 100 से अधिक बसें जा रही है, साथ साथ कई गाड़ियां जा रही है, तो बाड़मेर से 10,000 अधिक यहां से विद्यार्थी और यहां से लोग जाएंगे। रैली बड़ी रैली है ये, और इसके अंदर जो विसंगति है ओबीसी की, सरकार की आंख तो खुल चुकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और एक बड़ा रैला होगा जयपुर के अंदर। कोटा में 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में एसआईटी की टीम ने सीएमडी और डायरेक्टर समेत 6 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। आपको बता दें एसआईटी की टीम ने आरोपियों को कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों से अब आमने सामने बिठाकर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। टोडा भीम के नाहर खो रहा रोड पर एक वैन में अचानक आग लग गई। आग से वैन आग के गोले में तब्दील हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वैन में से आग की लपटें निकलती देखकर चालक डर गया और कार को छोड़कर बाहर आ गया। वैन में आग लगती देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान किसी ने टोडा भीम नगर पालिका फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। चलिए वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।